हेलो दोस्तों, मैं आशीष पाठक आपका परीक्षा प्लस में स्वागत करता हूँ। अभी हम देखेंगे रीजनिंग का सॉल्यूशन जो आपका सेकंड शिफ्ट में हुआ था 4 तारीख को पेपर जूनियर असिस्टेंट के। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से कोडिंग डिकोडिंग है यहाँ पे भी, और आसान सी कोडिंग डिकोडिंग है। इसमें भी पोजिशन इंटरचेंज हुआ है, जैसे वुमेन लिखा हुआ है आपका इसमें, और पोजिशन चेंज किया गया है कि ओ यहाँ आ गया है, डब्ल्यू यहाँ आ गया है, और बाकी एम ई एन वाले में क्या हुआ है आपका, एम तो सेम है, एन आ गया है, लास्ट में ई चला गया है। तो बस वैसे ही आपका क्या था, नोट्स था, तो उसका क्या होगा, ओ यहाँ होगा, एन यहाँ होगा, और टी आई एस, और लास्ट में ई होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आपको दिख रहा है, ओ एन टी एस ई, तो ऑप्शन सी दिख रहा है, तो आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62, इसमें भी सेम पिछली जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आया था वही पैटर्न इसमें भी रिवाइज किया है आपका। देखिए एस क्यू ई डब्ल्यू, और यहाँ पे है पी ओ सी वाई। अब इसमें क्या चल रहा है, ये 19 पे होता है तो ये 16 पे होता है, तो कितने का अंतर है इसमें आपका, -3 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है, इसमें +4 का अंतर है, और इसमें ई से 5 पे होता है और 3 पे होता है, तो ये कितने का है, -2 का है। उसके बाद से यहाँ पे कितने का है, ये +2 का है। ठीक है, तो वैसे ही आपको बताना है कि अगर जे वाई क्यू वी है तो हमारा यहाँ मूल वाला कौन सा शब्द होगा जिससे ये कोड करके ये आया है। तो जो जो यहाँ पे माइनस है उसको हम प्लस करके यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से जाएंगे तो जे +3 करेंगे तो 10 + 3 करेंगे तो 13 आएगा, तो 13 पे क्या आता है, एम। और उससे बाद देख लेते हैं एम पे कौन होगा, पहले ही आपको दिख गया, ज़्यादा उससे करने की ज़रूरत नहीं है, एम से एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चलिए आगे, ये देखिए मोबिलिटी का जो कोड दिया गया है 4629 3927 दिया गया है, और एग्जामिनेशन का पूछ रहा है। तो अब ये कैसे है, एम का देखिए, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 13, और ओ की कितनी होती है, 15। तो 3 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4, 5 और 1 को जोड़ोगे तो 6, तो वैसे ही ऐड कर दिया। और बी का जो प्लेस वैल्यू क्या होता है, 2, तो 2 का 2 सेम लिखा हुआ है, आई का भी 9 होता है, एल का क्या होता है, 12, तो एल का 12 होता है, इसलिए 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 होगा। वैसे ही एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, तो इसका क्या होगा, ई का होता है 5, 5 से शुरू होना चाहिए, एक्स का कितना होता है, 23, ठीक, तो 5 24, एक्स जो होता है सॉरी 24 पे होता है, तो 24 मतलब 4 और 2 6, तो 5 और 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 63 के बाद 64 पे आते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। अब इसमें देखते हैं 64 में आपका कि इसमें जो भी वर्ड दिया है उसी से ये कोड किया गया है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्पैरो की कोड क्या होगा, तो जितने भी यहाँ पे वर्ड हैं आपके वो स्पैरो इसी शब्दों से मिलके बना है। तो एस देख लेते हैं, एस कहाँ पे, यहाँ पे है, तो एस का कोड क्या होगा, पी होगा। ठीक, सामने वाला, जस्ट उसके सामने वाला क्या होगा, पी होगा। उसी तरह पी का क्या होगा, यहाँ है पी आपका लास्ट में, सबसे लास्ट वाला, तो सबसे लास्ट वाला क्या होगा, क्यू होगा। तो पी और क्यू से शुरू होना चाहिए, तो पी और क्यू से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है आपका, ऑप्शन डी शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 64 का। लास्ट में आते हैं 64 के बाद 65 वाले में आते हैं, इसमें देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, ये भी क्वेश्चन है। 1 2 3 मीन्स होता है हॉट फिल्टर कॉफी, और 3 5 6 मीन्स होता है वेरी हॉट डे। तो अब इसमें देखते हैं कॉमन कौन सा मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, ये देखिए 3 और यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है, तो इसमें वर्ड में भी कुछ कॉमन होगा, तो कौन सा कॉमन है इसमें, देखिए हॉट फिल्टर कॉफी में और यहाँ पे हॉट डे में, तो आपका 3 जो है हॉट जो कॉमन है, तो 3 का तो कोड हो गया हॉट। ठीक है, इसमें देख लें अगर 589 और 356 वाले में, सेकेंड और थर्ड वाले में देख लें तो 5 कॉमन आ जाएगा आपका, 5 इसमें भी 5 आ जाएगा, तो इसमें वर्ड में कौन सा कॉमन है, वर्ड में आपका कॉमन हो जाएगा डे। ठीक है, ये डे यहाँ पे भी है और आपका डे यहाँ पे भी है, यहाँ पे है भी डे, तो 5 का मतलब हो जाएगा डे। ठीक, तो अब यहाँ दूसरे वाले स्टेटमेंट में बचा गया 6, तो 6 का क्या हो जाएगा, वेरी, तो आपसे पूछा था वेरी का कोड क्या होगा, 6, तो यह होगा आंसर आपका, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 66 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड बन सकता है इससे, तो आपसे इसका वर्ड कौन सा बन सकता है, सेफ गार्ड बन सकता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 67, इसके में बोल रहा है कि ये वर्ड दिया है, इसको अरेंज करके कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है जिसका फर्स्ट लेटर क्या हो, लास्ट लेटर क्या होगा, सॉरी लास्ट लेटर आपसे पूछ रहा है, तो इससे आपका क्या बन सकता है, रीअरेंज करोगे तो पम्पकिन बनेगा, पी यू एम पी के आई एन,
तो इसका लास्ट लेटर आपका क्या होगा, एन होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। अब इसमें आपसे बोल रहा है कि आप इसे रीअरेंज करो और मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, चलिए उसे देख लेते हैं आपका। तो इसमें आपका बनेगा जो होगा, बनेगा मसल्स, बनेगा MUSCLE। तो आपका M किससे शुरू हो रहा है, देखिए 7 से शुरू हो रहा है, तो 7 वाले दो ऑप्शन है, उसके बाद से U है, तो U आपका 8 में है, तो 7-8 वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 69 पे। अब इसमें आपका बोला है, जैसे जैसे क्वेश्चन उसको करते हैं, इसमें बोला है फर्स्ट लेटर फोर्थ लेटर, तो फर्स्ट लेटर आपका इसका कौन सा है, एस है, फोर्थ लेटर क्या है, ई है, और सेवन्थ लेटर क्या है, एल है, और इलेवेंथ लेटर क्या है, एस है। तो इससे आपको अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो इससे एक वर्ड बनेगा लेस, LESS। तो इससे पूछ रहा है आपका व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, पहला लेटर आपसे पूछ रहा है, तो पहला क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, L। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है। इसमें मेट्रोपोलिटियन आपका दिया हुआ है, एक वर्ड दिया है, अब इससे पूछ रहा है कि सेकेंड वाला लेटर इसका, तो सेकेंड कौन सा है, ई है, और उसके बाद से पाँचवा लेटर है ओ, दसवां लेटर है टी, और 12वां लेटर है आपका एन। इससे आपको बनाना है वर्ड, तो क्या क्या बनेगा, एक तो नोट बनेगा, एक क्या बनेगा, टोन बनेगा, ये दो वर्ड बनेंगे। तो वही बोला, अगर एक बनता है तो आपका ऑप्शन, वो आंसर जो होना चाहिए उसका तीसरा लेटर, अगर एक से ज़्यादा बनता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो देख लेते हैं एम कहाँ सेट किया गया है, ऑप्शन में, ऑप्शन सी में सेट किया गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 71 पे पहुँचते हैं, 71 क्वेश्चन सीरीज से है आपका, देखिए 71 में सीरीज कैसा चल रहा है आपका, जैसे 22 है, 33 है, 66 है, 88 है, सब 11 के डिविजिबल हैं। तो हम इस ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं कि 11 को कौन सा डिविजिबल होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, 165, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें भी सीरीज चेक करते हैं कि क्या इसमें चल रहा है, आखिर 2 से 10 में कितने का गैप चल, 2 से 20 का जो है ये गैप कितने का है, ये टोटल जो गैप चल रहा है 18 का गैप चल रहा है, और 20 से 74 का गैप जो है ये कितने का है, 54 का है, 74 से 110 का जो गैप है वो कितने का है, 36 का है। अगला जो है हमारा क्या होना चाहिए, ये देखिए जितने भी गैप हैं वो 18 के डिविजिबिलिटी में है, 18, 54, 36। तो अगला हम इससे ऑप्शन देख लें कि कौन सा हम ऐसा ऑप्शन है जो 18 का से डिविजिबल हो, तो 182 हमारा 18 से डिविजिबल है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे, यह भी आपका सीरीज से है, 2, 7, 14। तो यहाँ से देख लेते हैं गैप, 2 से 7 का कितने का गैप है, 5 का, 7 से 14, 7 का गैप है, 7 से 14 से 23 कितने का गैप है, 9 का गैप है, उसके बाद से यहाँ के बीच में कितने का गैप होना चाहिए, सब में देखिए 5 से 7 2, 7 से 9 2, तो 9 से 2 और बढ़ाएंगे तो 11, तो 11 का गैप होना चाहिए, तो 23 प्लस 11 होना चाहिए, तो 3 1 4 2 1 3 34 होना चाहिए आंसर, ऑप्शन सी सही होगा। अगले की तरह क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 74 आपका अल्फाबेटिक सीरीज से है, के बाय LMN अगला आना चाहिए आपका, O से एक ही ऑप्शन मिल रहा है, OTE आपका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आपका ऑप्शन ऐसा सेट किया गया कि सीधे आपको एक पकड़ में आ गया तो सीधे आंसर मार दीजिए सही सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 720 120 24 8 2 1 1 सीरीज है। आपको देखते हैं ऐसे ही फर्स्ट वाले शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, देखिए 1 × 1 आपका 1 आएगा, 1 × 2 आपका क्या आएगा, 2 आएगा, 2 × 3 क्या आएगा, 8 आएगा, 8 × 4 क्या आएगा, 24 आएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है, इसमें आपसे गलत क्या आएगा, 2 × 3 आपका क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक, और 6 के बाद इसमें पूछ रहा है आपका कि यहाँ पे कि गलत क्या है, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए तब जाके ये सीरीज फॉलो करती, 8 नहीं होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 × 1 1 1 इन, उसके बाद से आपका 1 × 2 आपका 2, और 2 × 3 6 होना चाहिए, तो यहाँ 8 लिखा है, तो ये आपका गड़बड़ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में आपका देखिए स्टेटमेंट से रिलेटेड है, आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका कि केवल सिर्फ आपका निष्कर्ष पहला फॉलो करता है, ठीक है, निष्कर्ष पहला फॉलो करता है। नेक्स्ट आपका आते हैं अगले क्वेश्चन में, 77 क्वेश्चन। इसमें भी आपका एक पैसेज दिया हुआ, उससे बोला है कौन सा कॉन्क्लूजन निकल सकता है, तो इससे आपका कॉन्क्लूजन ऑप्शन बी निकलेगा, ठीक है, ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 78 क्वेश्चन। ये भी आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन से है, निष्कर्ष से है, तो इसमें जो भी आपका कथन दिया गया है इसे पढ़िए, और इससे रिलेटेड जो आपका निष्कर्ष निकला है, पुलिस अधिकारी को मामले की जाँच करने और संसद को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा, तो ये आपका पहला निष्कर्ष
सही होगा। तो आप देख लीजिए कि आपका ऑप्शन कैसे सेट है। तो केवल निष्कर्ष पहला आपका सही होगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपका सॉइल इरोजन से क्वेश्चन है। इसे पैसेज में देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा आपका सही होगा कंक्लूजन। तो इसका ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी आपका एक टीवी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पैसेज दिया गया, उससे आपसे पूछ रहा है कि आपका कौन सा इसमें जो होगा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, इसका सही होगा, क्योंकि जो आपका न्यूट्रिशन होता है उसके जो बातें होती हैं वो लोग सही मानते हैं। तो इसलिए ये वाला बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 जो आपका क्या है, ऑड वन आउट है, ग्रीन, इंडिगो, पिंक, ऑरेंज और येलो। बाकी जो हमारे कलर हैं वो विबग्योर के कलर हैं, मगर पिंक नहीं है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी दिया हुआ है। ज्योग्राफी को सोच के सभी जो है हमारे साइंस के पार्ट हैं, तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 83 में भी आपका ऑड वन आउट पूछा है। कैनो, डिग्गी, इग्लू, रेफ्ट और यास्ट, ये सभी आपके नाव के ही हैं, बस एक इग्लू जो है वो आपका अलग है, ऑड वन आउट है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्लिफ लेपिस, इसमें भी आपका ऑड वन आउट पूछा है। तो इसमें जो आपका होगा ऑड वन आउट वो होगा क्लिफ। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही होगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सेमी सर्कल, सेमी कॉलन, सेमी फाइनल और सेमिनार। इसमें आपका ऑप्शन जो होगा सेमिनार सी जो होगा सही होगा, ये पूरा होता है, बाकी सब क्या होते हैं आपके आधे आधे होते हैं। अगले पे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका है, बोल रहा है 86 नंबर क्वेश्चन में एक सर्वे है 100 लोगों के, और उसमें बोल रहा है कि बम्बई और बेंगलोर में जाने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा है। 31 पीपुल है विजिटेड बम्बई, 31 लोग बम्बई में विजिट करते हैं, 26 लोग बेंगलोर में और 12 लोग दोनों में। तो हम दोनों गोला बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे, एक बनाएंगे बम्बई का, एक बनाएंगे बेंगलोर का। उसमें ऐसे बोल रहा है कि 12 तो हमारा फिक्स है कि 12 दोनों शहर में जाते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 31 लोग बम्बई वाले हैं, तो 31 में से 12 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका बेंगलोर जाने वाले लोगों की संख्या कितना है, 26 है, तो 26 में से हम 12 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा इसमें। अब इनको हम देख लेते हैं कि इसमें पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन, कि उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो लोग मुंबई, ना तो मुंबई जाते हैं और ना ही बेंगलोर जाते हैं। तो हम इनको जोड़ लेते हैं और जो आएगा उनमें से पूरे में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपका ये 19 + 12 + 14 को जोड़ लो तो इसमें आ जाएगा ये पूरा आपका 45। टोटल लोग कितने हैं, 100, 100 में से 45 घटा दो तो इसमें से बचेंगे 55। 55 लोग ऐसे हैं जो कहीं नहीं जाएंगे, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा 86 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ये भी आपका उसी से वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। चलिए इसमें बोला 285 दर्शक हैं फुटबॉल खेल देखते हैं। टोटल इसमें जो है आपके दर्शक जो बताया गया कितने हैं, 500 हैं। 500 में से 285 लोग क्या देखते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। चलिए इसमें देखते हैं फुटबॉल वाला, ये तीन इसमें बनेगा डायग्राम, एक ये फुटबॉल का हो जाएगा, एक हॉकी का हो जाएगा आपका, और एक जो होगा आपका बास्केटबॉल का होगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि 285 लोग क्या फुटबॉल खेल देखते हैं, 195 दर्शक हॉकी खेल देखते हैं, 115 दर्शक बास्केटबॉल खेलते हैं, 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल। अब ये नहीं दिया 45 में पूरा हो जाएंगे ये तीनों वाला इंटरसेक्शन, तो हम ये क्या करेंगे, इसे ए मानेंगे। ठीक है, इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं, और इसी इसे इंटरसेक्शन वाला तीनों का जो है वो एक्स मानते हैं। तो हमारे पास कुछ डाटा ऐसा बनेगा, ये जो हमारा होगा वो 280 285 है फुटबॉल देखने वाले, ये हॉकी वाले कितने हैं 195, और बास्केटबॉल वाले कितने हैं 115। तो आपका कुछ इक्वेशन ऐसा बनेगा कि एक होगा 285 माइनस, जो सिर्फ केवल फुटबॉल वाला होगा 285 माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स, वैसे फिर प्लस करेंगे 195 सिर्फ हॉकी वाला अगर निकालें तो होगा 195 माइनस में आपका क्या होगा ए प्लस सी प्लस एक्स। ठीक है, चलिए गायब हो गया कहीं, हाँ ए प्लस सी प्लस ये रहा ए प्लस सी प्लस एक्स,
ए प्लस सी प्लस एक्स हो जाएगा। अगला जो है हमारा प्लस 115 माइनस आपका क्या होगा इसमें, बी एक्स प्लस, जो सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं, बी प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस में और क्या होगा आपका पूरा का पूरा ये ए बी एक्स प्लस सी, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये इक्वल टू 450 के बराबर होगा, क्योंकि 50 लोग ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं देखते हैं, ठीक, तो ये 450 के बराबर होगा। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा हमारा ऐसा, 595 माइनस ए ए माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस सी इक्वल टू 450। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो इसमें से आपका जो सी की वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया है ए प्लस एक्स जो होगा क्या है, ये दोनों देखने वाले हॉकी और फुटबॉल देखने वाले कितने लोग हैं, ए प्लस एक्स 70 लोग हैं, और आपका जो बी प्लस एक्स है, सी प्लस एक्स क्या होगा आपका, जो हॉकी और बास्केटबॉल देखने वाले हैं कितने लोग हैं आपके, 50 लोग हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका बोल रहा है कि बी प्लस एक्स जो बास्केटबॉल और फुटबॉल देखने वाले हैं वो कितने लोग हैं, 45 लोग हैं, ठीक है, इसमें टोटल ये दिया हुआ। तो यहाँ से जब इक्वेशन सॉल्व करोगे ए प्लस एक्स उधर हो जाएगा, 450 इधर आएगा, तो ये आपका आएगा आंसर सी इक्वल टू 30। सब सी 30 आएगा, तो इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20, ठीक। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा लैंग्वेज की डिफरेंस है, आप हिंदी से करोगे तो थोड़ा परेशान हो जाओगे। इंग्लिश में बोला कि एग्जैक्टली एक लोग कौन मतलब एग्जैक्टली एक लोग कितने लोग हैं जो एक गेम देखते हैं, तो उसमें हो जाएगा तीनों का प्लस कर देंगे, मगर हिंदी में आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। अब तो आप देख इसमें से आपकी जो वैल्यू निकली है एक्स की, उसके बाद से ए और बी प्लस ए की वैल्यू निकल आएगी हमारी इंडिविजुअल, बी की वैल्यू निकल आएगी, ए की वैल्यू जो आपकी निकलेगी वो कितनी आएगी, 50, बी की वैल्यू आपकी निकलेगी तो वो कितनी आएगी, 25, और सी की वैल्यू निकलेगी तो आपकी कितनी आएगी, 30 आएगी। उसके बाद से सिर्फ हमें निकालना है इसमें कि कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं तो वो 285 में से हम पूरा जो ये है ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो वो आएगा 190 लोग सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, प्लस 95 लोग ऐसे आएंगे जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, और प्लस आपका 40 लोग ऐसे आएंगे जो सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं, तो और इनका पूरा का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा, ये जो होगा 325 होगा। तो इसमें ऑप्शन जो आपका डी दिया हुआ है, लंबा सवाल था, इस सवाल में आप अगर जो बचे होंगे तो आपका पूरा टाइम चला गया होगा, तो ऐसे सवाल को आपको एग्जाम में छोड़ देना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 88, इसमें आपका दिया गया है कि एक एयरलाइन है जिसमें 120 यात्री हैं टोटल, और इसमें दो चीजें हैं, एक तो है इसमें हॉट ड्रिंक्स और एक है आपका दूसरा क्या है, हॉट ड्रिंक्स है, दूसरा है आइस टी है। तो इसमें बोल रहा है कि किसको कितना क्या पसंद है, 75% को 75 पैसेंजर को आपको हॉट ड्रिंक्स पसंद है, और 62 को क्या पसंद है, टी पसंद है, 40 लोगों को दोनों पसंद है, तो पहले बीच वाला स्पेस तो आपका ये हो जाएगा 40, और 75 लोग इसमें टोटल आपका क्या पसंद करते हैं, हॉट ड्रिंक्स, तो आपका 75 में से 40 माइनस कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा सर्किल, और ये वाला क्या है 62 है, 62 में से 40 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 22। आपसे पूछ रहा है कि कितने पैसेंजर जो हैं कोई भी जो है पसंद नहीं करते हैं, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो होगा सी होगा, कि इसमें पूछ रहा है यदि आनंद कर तो कितने यात्री ने पेय पदार्थों में से किसी को भी आनंद नहीं लिया, तो इसमें आपका ऑप्शन जो होगा सी होगा, 23 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इसे सभी को प्लस कर दोगे तो इसमें जो आ जाएगा आपके पसंद करने वाले आएंगे उनको कि माइनस कर दोगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 23। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेचू साइज और सॉन्ग, तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, ट्यून होगा, सेम रिजेंबल है, जैसे ट्यून से क्या बनेगा, सॉन्ग बनेगा, साइज से ही स्टेचू होती है, तो वैसे ही इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बोलते हैं आपका 90 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें भी वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें 100 कैंडिडेट हैं टोटल आपके, जिसमें से
क्या क्या है इसमें? वेनिला है, चॉकलेट है, वी से रिप्रेजेंट कर दें, ये चॉकलेट सी से रिप्रेजेंट कर दें, और स्ट्रॉबेरी को एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद बोला 50 कैंडिडेट वेनिला है करते हैं, 43 चॉकलेट, 28 स्ट्रॉबेरी, 13 जो हैं वेनिला और चॉकलेट दोनों करते हैं, 11 जो हैं चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, 5 जो हैं स्ट्रॉबेरी एंड वेनिला, और 5 12, और 5 जो हैं आपके तीनों। तो ये जो तीनों का इंटरसेक्शन है ये 5 होगा, ठीक। उसके बाद से बोला 13 जो हैं आपके वेनिला और चॉकलेट है, तो 5 यहाँ हो गया, तो 8 ये हो जाएगा आपका जो वेनिला और चॉकलेट सिर्फ करते होंगे। उसके बाद से आपका यहाँ पे जो वेनिला और स्ट्रॉबेरी का जो बोला है वो कितना है, यहाँ हो जाएगा 7, क्योंकि टोटल 12 है, तो ये 7 हो जाएगा जो वेनिला और स्ट्रॉबेरी वाला होगा। और इसमें देखते हैं कि आपका ये कितना है, 11 लोग बोला है कि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी करते हैं, तो 5 ये हो गया और ये 6 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कितना था, 50 था, तो ये 50 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 30 और 8 5 13, 13 7 20, 20 50 हो गया पूरा। और ये 43 का था चॉकलेट वाला, ये 50 का था, और ये 28 का था स्ट्रॉबेरी वाला। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद है लेकिन वेनिला नहीं पसंद है, तो ऐसे कितने हैं? देखिए, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद है, वेनिला नहीं है, तो सिर्फ 6 लोग ऐसे हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका ये समाप्त हो गया, 90 क्वेश्चन थे ये। आपका सेकेंड शिफ्ट के जो रीजनिंग आई थी आपका, इसमें जो है लास्ट के में जो क्वेश्चन था वेन डायग्राम के क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन आपका टफ था, बाकी सब सिंपल थे। तो ये आपके टोटल सेकेंड शिफ्ट के सॉल्यूशन रहे।